नमस्कार, विवार्ता में आपका स्वागत है। पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी संसद में हंगामा जारी है, कई जरूरी बिल अटके हुए हैं। आज विवार्ता में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। यदि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस संसद क्यों नहीं चलने दे रही है? इसमें लोकसभा हारने या जीतने का सवाल नहीं है। कांग्रेस विपक्ष में है और चाहे 44 जो कि अब 45 सीटें हो गई हैं उनकी रतलाम झाबुआ जीतने का, तो 45 सांसद लोकसभा में उनके हैं वो बात नहीं है, लेकिन राज्यसभा में उनके पास ज्यादा सांसद हैं। राज्यसभा में वो मजबूत विपक्ष के रूप में उपस्थित हैं, लोकसभा में वो जरूर थोड़े कमजोर विपक्ष में हैं। जनता की तरफ से उनको वो प्रतिनिधि पर राज्यों में जो उनकी उपस्थिति है उसके आधार पर राज्यसभा में उनकी जो उपस्थिति है वो बहुत मजबूत है। और यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का भी सवाल नहीं है, वो कम या ज्यादा होने की वजह से संसद को ठप नहीं कर रहे हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो कि वो कम संख्या में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर सकते हैं। इसमें मैं ये कहूंगा कि जो जिस मुद्दे पर फिलहाल संसद ठप कर रखी उन्होंने वो गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी सामंजस्य के साथ संसद चलने के लिए पूरे प्रयत्न करने चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बदले की राजनीति कर रही है। अब बात आती है नेशनल हेराल्ड वाले मुद्दे की। देखिए, नेशनल हेराल्ड देखा जाए तो एक ऐसा मसला है जो आपने कुछ भी किया हो, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हो उसकी संपत्तियों का लेने के, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चला रहा है। देश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी और उसके जो मुखिया हैं, उसकी जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और उसके जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनका नाम सीधे सीधे इसमें जुड़ा है। तो निश्चित तौर पर अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो छोटी गड़बड़ी नहीं होकर बहुत बड़ी इसलिए हो जाती है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जुड़ा हुआ मसला है और उसके तार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। अब बात आती है कि क्या नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर संसद ठप की जानी चाहिए? कतई नहीं। संसद में आप अपनी बात रख सकते हैं, संसद में आप विरोध कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हो रहा है तो वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन दरअसल ये मसला शुरू क्यों हुआ? मसला शुरू इसलिए हुआ है कि कोर्ट का एक टिप्पणी आई है, कोर्ट ने बहुत सख्त फैसला दिया है, कोर्ट ने सोनिया जी को और राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। उन्होंने कहा है कि उनको इसमें षड्यंत्र की बू आती है कोर्ट को, और तथ्यों को देखते हुए उनको लगता है कि इसमें हुई हैं गड़बड़ियां। बहुत सख्त और बहुत कठोर टिप्पणियां हैं अगर हम लोग कोर्ट के फैसले को देखें तो फैसला मतलब कोर्ट से जो जज साहब ने कहा है उसको हम देखें तो उसकी विवेचना करें और उस पर अगर हम बात करें तो ये जो लड़ाई है जो कि अब जाकर राहुल गांधी ने कहा है कि ये कानूनी लड़ाई है और हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, तो फिर आप संसद में क्यों लड़ रहे हैं? क्या आपको ये डर है कि जो न्याय तंत्र है वो आपके पक्ष में यह फैसला नहीं देगा, या आप ये मानते हैं कि उसका संचालन जो है वो संसद के थ्रू हो सकता है या संसद के जरिए आप उसको डरा सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं? दरअसल कांग्रेस का इसके पीछे उद्देश्य क्या है ये समझना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि वो गलत लड़ाई को गलत तरीके से गलत जगह पर लड़ रहे हैं। अगर उनको अदालत की तरफ से कुछ मामला संज्ञान में लिया गया है, अदालत की तरफ से कुछ कार्रवाई के आदेश हो रहे हैं प्रस्तुत होने के, तो वहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो याचिका लगाई है उसका जवाब उनको अपने तरीके से देना चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इन्हीं सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जयललिता के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, अवैध संपत्ति का, उनके पाए से अधिक संपत्ति का मामला चला था, लेकिन वो मामला स्थानांतरित भी हुआ तमिलनाडु से कर्नाटक, लेकिन वो बरी हुई और बरी होने के बाद वो वापस मुख्यमंत्री बन गई। ऐसे ही आप भी कोर्ट से बरी हो जाइए, आप भी बरी होने के बाद जाकर कहिए सीना चौड़ा करके कि हमारे खिलाफ दुर्भावना से जो मामला लगाया था उससे कोर्ट ने संज्ञान लेकर हमें छोड़ दिया है। अभी तो केवल संज्ञान लिया गया है, आगे इतने लंबे समय से जो चला आ रहा था मामला उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, केवल उतने भर से अगर आप इस तरीके से भयभीत हैं तो फिर लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि क्या सचमुच दाल में कुछ काला है। संसद में हंगामे के चलते क्या ऐसा नहीं लगता कि GST सही समय पर लागू हो पाए? ये एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, लगातार पिछला सत्र भी जो संसद का था मानसून सत्र, वो पूरी तरह से ठप रहा, शीतकालीन सत्र को भी आप चलने नहीं दे रहे हैं, तो दरअसल आप चाहते क्या हैं? मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया है तो गलत किया। आप वहां पर कायदे कानून की बजाय ये देखना चाहिए था कि प्रतिपक्ष की अहमियत लोकतंत्र में है, मैं ये मानता हूं कि उनको नेता प्रतिपक्ष वाला पद दिया जाना चाहिए था, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कितने भी कम संख्या में हो प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष होता है, उसकी अहमियत होती है, उसकी आवाज होती है, उसकी आवाज को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने
पहल भी की है, उन्होंने सोनिया जी को बुलाया था चाय पर, बातचीत की थी। इस तरह की पहल लगातार होनी चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन देश की संसद, उसका सम्मान और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से बढ़के एक दूसरे के प्रति व्यक्ति के रूप में सम्मान, ये बना रहना चाहिए। और राजनीतिक मुद्दों की वजह से संसद को इस तरीके से बंधक रखकर, संसद की कार्रवाई को ठप रखकर निश्चित तौर पर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो एक अहम मसला, एक अहम बिल है जिसे इस सत्र में पारित हो जाना चाहिए था किसी भी हाल में, वो नहीं हो पा रहा है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसमें देरी होना तय है। अगर उसमें देरी हो रही है तो एक बड़े नीतिगत फैसले से देश को दूर रखा जा रहा है, जो कि गलत है। जरी जी, संसद में गतिरोध देश और उसकी जनता के साथ अन्याय नहीं है? बहुत बड़ा अन्याय है। आप देखिए, लगातार सोशल मीडिया पर जनता की जो टिप्पणियां आ रही हैं, जो अनुमानित आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, उसके बाद उसके हिसाब से संसद पर एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उन करोड़ों रुपयों की जवाबदेही जो है वो इन नुमाइंदों की है, क्योंकि वो जनता की जेब से जाता है पैसा, इन लोगों की खुद की जेब से नहीं जा रहा है। इनके ऊपर तो जनता से टैक्स लेकर वो पैसा खर्च किया जा रहा है। तो जनता से टैक्स लेकर, अगर आप देखिए, जब हम सरकारी नौकरी करें या निजी नौकरी करें, दोनों ही तरह की नौकरियों में एक निश्चित संख्या में छुट्टियों की संख्या तय होती है, और उससे ज्यादा छुट्टी आप लेते हैं तो आपकी वेतन से पैसा कट जाता है। यहां पर आप लगातार इतने सारे सत्र जो है संसद के, वो चलने नहीं दे रहे हैं। आप संसद को ठप कर रहे हैं। कोई कार्य जिस काम को आपको संसद को ठप करने का पैसा जनता द्वारा नहीं दिया जा रहा है, आपको संसद को सुझा, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, लेकिन आप संसद ही ना चलने दें। जनता को इसमें लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है। जनता की इस आवाज को अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे, खासतौर पर कांग्रेस, तो मुझे लगता है बहुत गलत है। कांग्रेस बार बार एक ही राग अलापती है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्ष में रहते हुए वही सब किया, तो दिक्कत तो वही है। आप भी विपक्ष में जाके वही करते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आके वही करती है, तो दरअसल ठगा कौन जा रहा है? ठगा तो आम आदमी जा रहा है। आप लोग आपस में पाला बदलने के बावजूद भी रोल वही के वही रखते हैं जो कि आपको रखना चाहिए। विपक्ष में बैठकर आप हंगामा करते हैं, सत्ता में आकर बैठकर आप हंगामा न होने की उम्मीद करते हैं। सत्ता में बैठकर आप पूरे तंत्र को अपने हिसाब से चलाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष में जाकर आप संसद को ठप करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, पाले बदल बदलकर अगर इसी तरीके से आप देश का नुकसान करने वाले हैं, तो देश की जनता निश्चित तौर पर अपने तरीके से आपको जवाब देगी। दिल्ली में जो हुआ है 67-3, बिहार में जो हुआ है जबरदस्त बहुमत से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के गठबंधन की जीत, उसके बावजूद अगर लोगों को सबक नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है आने वाला समय इन बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए और भी खतरनाक होगा। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे संसद में गतिरोध की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।